शक्ति के लिए आप दुर्गा चामुंडा इनकी पूजा करते हो, काली माँ की पूजा करते हो, और उसी माँ और जन्म लेने के लिए माँ को याद करते हो, उसी माँ को मार देते हो आप। अगर बेटी नहीं होगी तो बेटा भी नहीं होगा, आप बेटियों को मारते क्यों? तो मेरे पापा इस रूल से खिलाफ थे, वो अलग आगे करते करते मेरे पापा की 3 बेटियां हुई, पापा ने नहीं मारा, 3 बेटे हुए, 7वें नंबर पे मेरा जन्म हुआ, धनतेरस को मैं जन्मी हूँ। और उस वक्त मेरे पापा घर पे थे नहीं, अजमेर आ गए सामान लेने के लिए, और कुछ जाग वगैरह का, वो दीपावली के सामान पूजा का। शाम के 7 बजे मैं हुए समाज की ओर, तो कहा कि इससे पहली 3 बेटियां हैं, फिर से बेटी होगी, इसको जमीन में गाड़ दे। समाज की औरतें उठाया मुझे, माँ को बताया नहीं, और ले जाके जंगल में जमीन में गाड़ दिया। गाड़ने के बाद मेरी माँ को पता चला कि 1 घंटा पर हो गया, मेरी बेटी को लाया नहीं मेरे पास में, क्या हुआ, बेटा हुआ या बेटी? मेरी मौसी ने कहा कि बेटी हुई थी, उसको जंगल में काट दिया ले जाके। मेरी माँ रोने लगी, बोले नहीं हम इस प्रथा को निभाते ही नहीं, हम हमारा घर बार छोड़ के यहाँ आके रह रहे, आपने ऐसा क्यों किया? औरतें धमका के चली गई, माँ को डांट के चली गई। मेरी माँ रोते रोते मेरी मौसी से पूछा, मौसी ने कहा मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये सब सो जाएंगे उसके बाद बताऊंगी। तो मेरी माँ और मेरी मौसी, मेरी माँ ने कहा तू रख लेना चाहे उस बेटी को, लेकिन मुझे बता दे। मेरी माँ मौसी ने कहा मर गई होगी अब तो, 5-6 घंटे हो गए। मेरी आत्मा कहती है और मेरा दिल कहता है मेरा तो कलेजे का टुकड़ा, वो मुझे जिंदा मिलेगा, मुझे एक बार वो जगह बता दे। मेरी मौसी ने रात की 12 बजे जाके और 2 बजे जाके वहां जहां मुझे गाड़ा था वहां से खोद के मुझे निकाले, और ईश्वर की दिया से मेरी सांसें चल रही थी और मेरी माँ की जीत हुई। मेरी माँ ने कहा कि देखो मेरी आत्मा और मेरा विश्वास जीता, और आज मेरी बेटी मुझे जिंदा मिली।